नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइसर के 330 ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, ये जो ट्रैक्टर एक 33 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको एक 33 हॉर्सपावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए तो मेरे हिसाब से ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगा। फिलहाल किसान भाई, कई सारी वेबसाइट पर इस ट्रैक्टर को 30 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर बताया जाता है, लेकिन टेक्निकली ये जो ट्रैक्टर है 33 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर है। 33 से थोड़ा सा कम है, लेकिन आप राउंड फिगर में से 33 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर बुला सकते हैं। अगर आपको एक कम बजट वाला ट्रैक्टर चाहिए जिसकी मदद से आप रोजमर्रा से खेती का काम कर पाए तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। इस ट्रैक्टर को आप रोटावेटर, थ्रेशर या फिर ढुलाई के काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक्टर जो परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देता है, एवरेज काफी बढ़िया देता है, और इस ट्रैक्टर में आपको सिम्पसन का इंजन मिलता है जो कि वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। खासतौर पर एवरेज और परफॉर्मेंस के लिए काफी बढ़िया इंजन माना जाता है, और आइसर कंपनी ने इस ट्रैक्टर को काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन करा है। इस ट्रैक्टर में कई सारे नए नए अत्याधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में, और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत तकरीबन 5.5 लाख से लेकर 5,80,000 के बीच में रहती है। इस ट्रैक्टर की जो कीमत है कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कृषि यंत्रों की जो कीमत है फिक्स नहीं होती है, कम ज्यादा होती रहती है। मैंने जो आपको कीमत बताई इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि तकरीबन इतने बजट में ट्रैक्टर आपको पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर 33 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर का जो इंजन है तकरीबन 24.27 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। इंजन के टाइप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको सिम्पसन टाइप वाला इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन का जो मॉडल नंबर है मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखा है, आप वो भी रीड कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के इंजन के सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन की कैपेसिटी के बारे में, तो इस ट्रैक्टर का जो इंजन तकरीबन 2272 cc की पावर जनरेट करता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने को मिल जाता है। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल बार टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिलता है। और कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको कूलेंट कूल टाइप वाला इंजन देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बड़े इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है, और वैसे भी सिम्पसन इंजन जो है काफी अच्छे माने जाते हैं। ये इंजन जो है एवरेज काफी बढ़िया देते हैं और परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया देते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल सिंगल क्लच मिलती है। इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पार्शियल कांस्टेंट मैच वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है। गैलीवर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको सेंटर शिफ्ट गैलीवर की पोजीशन देखने को मिल जाती है। और इस ट्रैक्टर गियर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर देखने को मिलते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया गियरबॉक्स जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। गियर की शिफ्टिंग वगैरह काफी स्मूथली होती है, और गियरबॉक्स की जो बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया मानी जाती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर स्पीड के बारे में। तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भाग सकता है। काफी बढ़िया फॉरवर्ड स्पीड जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, और इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल मस्ट डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम जो चुन सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर मैक्स लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो वो तकरीबन 1450 किलोग्राम। इस ट्रैक्टर लिफ्ट में आपको पोजीशन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल और रिस्पांस कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया लिफ्ट जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। लिफ्टिंग कैपेसिटी भी इस ट्रैक्टर में आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर स्टीयरिंग के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल मैकेनिकल स्टीयरिंग मिलता है। इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 45 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एक 33 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफी बड़ी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में दी गई है। और अगर हम इस ट्रैक्टर के एवरेज की बात करें तो ये ट्रैक्टर एवरेज भी काफी बढ़िया देता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर पीटो के बारे में। अगर हम बात कर सकते हैं पीटो के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 इंच शार्प वाला पीटो टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात कर सकते हैं पीटो के आरपीएम के बारे में तो इस ट्रैक्टर जो पीटो तकरीबन 1000 आरपीएम जनरेट करता है, जब इंजनरेटेड आरपीएम जो 1616 हो। इस ट्रैक्टर पीटो के हॉर्सपावर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो पीटो तकरीबन 25.8 हॉर्सपावर की पावर जनरेट करता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया पीटो जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। आप इस ट्रैक्टर की पीटो की मदद से रोटावेटर, थ्रेशर और बाकी जो इंप्लीमेंट काफी आसानी से चला सकते हैं। ट्रैक्टर जो पीटो पर एवरेज और परफॉर्मेंस दोनों काफी बढ़िया देता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर फ्रंट टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 6x16 का फ्रंट टायर साइज मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 12.4x28 का पिछले टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो 33 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफी बढ़िया टायर साइज जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर डायमेंशन और वेट के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर टोटल वजन के बारे में तो वो तकरीबन 1745 किलोग्राम। ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 3456 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1627 mm। ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2206 mm। व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1810 mm। तो अगर आप इस ट्रैक्टर ओवरऑल साइज देखें तो काफी नपतुला ट्रैक्टर बनाया गया है। मैंने आपको बाजू में इंच में भी जानकारी दे रखी है, तो वो भी रीड कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर का वेट बैलेंस भी काफी बढ़िया रखा गया है, वजन भी इस ट्रैक्टर का काफी बढ़िया है। और आइसर कंपनी जो अपने ट्रैक्टरों में पूरी मेटेलिक बॉडी देती है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया मानी जाती है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर वारंटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है।
एक 33 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफी बड़ी वारंटी जो इस ट्रैक्टर में दी गई है, और मुझे नहीं लगता कि 2 साल तक कोई बड़ा मेजर मेंटेनेंस का खर्चा इस ट्रैक्टर में निकलेगा, क्योंकि आयसर का ये जो ट्रैक्टर है काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस माना जाता है। ट्रैक्टर को आयसर कंपनी ने काफी बड़ी तरीके से डिजाइन करा है, और आयसर कंपनी जो काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, इनके ट्रैक्टर्स के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो भी आपको काफी आसानी से मिल जाते हैं, और यही कारण है इस ट्रैक्टर की जो रीसेल वैल्यू वो भी काफी बढ़िया मानी जाती है। तो किसान भाई, अब सबसे बड़ा सवाल है ये ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। किसान भाई, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको 33 हॉर्सपावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए जो कि आपको कम बजट में मिल जाए, एवरेज बढ़िया दे, परफॉर्मेंस बढ़िया दे, तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। इसमें आपको सिम्पसन इंजन मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा लो मेंटेनेंस माना जाता है। एक मध्यम वर्गीय किसान के हिसाब से ये ट्रैक्टर काफी बढ़िया रहेगा। तो अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इस ट्रैक्टर को बेफिक्र होकर ले सकते हैं। तो फिलहाल किसान भाई, ये थी जानकारी आयसर के 330 ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और किसान भाई, हमने आयसर के बाकी ट्रैक्टर्स पे भी ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।